खरगोन जिले में आए दिन चोर चोरी की वारदात को अंजाम आसानी से दे रहे हैं। गत रात को भी खरगोन शहर के आजाद नगर और अमन नगर में अज्ञात चोरों ने सुने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आजाद नगर स्थित अरशद खान पिता महबूब खान के यहाँ पर चोरों ने गेट का अगला दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुसे और लगभग 1.5 लाख से अधिक की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं अमन नगर स्थित जहीर मिर्जा के यहाँ पर सुने मकान में ताला तोड़कर अंदर घुसे और 1.5 लाख नगद सहित 1.5 लाख के जेवरात पर हाथ साफ किया है। अरशद खान ने बताया कि मां के ऑपरेशन के लिए इंदौर गए हुए थे, घर में ताला लगा हुआ था। इस दौरान रात में अज्ञात चोर अंदर घुसे, अलमारी में रखे 50,000 नगद और 1 लाख के जेवरात ले जाने में कामयाब रहे। वहीं स्थित अमन नगर में जहीर खान ने बताया कि चोरों ने अलमारी में रखे 1.5 लाख नगद और जेवरात पर हाथ साफ किया। जहीर खान ने बताया कि उमरा पासपोर्ट के लिए इंदौर गए थे, इस दौरान सुने मकान में चोरों ने चोरी की वारदात अंजाम दिया है। खरगोन से अजय तिवारी, रिपोर्ट। शाम को 6 बजे हम इंदौर के लिए निकले थे, पासपोर्ट आज हमारे को बनाना था जी, तब उसके लिए हम ताला लगाकर इंदौर गए थे ऐसा परिवार। और सुबह हमको सूचना मिली कि यहाँ घर के ताले टूटे हुए और दरवाजे खुले हुए, वैसे फिर वापस यहाँ आकर देखा कि दोनों कमरों की अलमारियाँ पर लाकर टूटे हुए थे, दरवाजे खुले थे और सामान सब बिखरा हुआ था, नगद पैसे और सोने के झुमके, मंगलसूत्र दो और दो जोड़ झुमके भी है। लगभग कितने की चोरी हुई? लगभग 1.5 लाख रुपए तो नगद नकदी थे और गहने। क्या नाम है आपका? जहीर मिर्जा। मम्मी का ऑपरेशन था यूरो केयर हॉस्पिटल में, डॉक्टर राजेश कुकरेजा के वहाँ। मकान सुना था पिछले 10 से 12 रोज से, उस दौरान ये अज्ञात चोरों ने चोरी की है। तो चोरी में जो है एक सोने का हार था और दो सोने की झुमकी थी, एक चांदी की पायजेब थी और लॉकर में जो है 50,000 रुपए गोदरेज के नगद रखे हुए थे। लगभग अनुमानित 1.5 लाख रुपए की चोरी हुई है। रिपोर्ट किया? हाँ, रिपोर्ट की है। सर लोग आए हुए हैं चेकिंग के लिए, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी आए हुए हैं, वो देख रहे हैं, जांच उनकी चल रही है। पिछले 10-12 रोज से बंद था ये मकान, अब वो अज्ञात चोरों ने किसने किया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अरशद खान है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।